अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवोल्यूट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवोल्यूट्स में क्या चीज़ है, दो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले क्या है, द नॉर्मल टू अ गिवन कर्व इज़ अ टेंजेंट टू इट्स एवोल्यूट। मतलब आपके पास एक कर्व थी, उस पर से आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि क्या बन जाता है, टेंजेंट टू इट्स एवोल्यूट। जो कि उस कर्व का एवोल्यूट होगा उस पर वो क्या जाके बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मल का मतलब होता है कि एक परपेंडिकुलर लाइन जैसे हम ड्रा करते होते हैं उसको कहते हैं। सबसे पहले देखें, एलेट क्यू एल्फा बीटा बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई ऑन द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ये जो हमारी कर्व है, ये वाली ये है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये एक नई कर्व उसकी बन रही है, एवोल्यूट की कर्व। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि एक कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं, वो दूसरी कर्व पे बनते हैं, तो पहले वाली कर्व को इन्वोल्यूट कहा जाता है, इसको हमने इन्वोल्यूट कहा है, और दूसरी जो हमारी है वो क्या है, एवोल्यूट है। ये पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जिस्ट कर रहा है क्यू ऑफ एल्फा बीटा। ड्रा टेंजेंट लाइन ऑफ पी, पी से हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। टेंजेंट लाइन का मतलब होता है कि एक पॉइंट को टच करते हुए लाइन गुजरी, ये जो लाइन इधर से इधर जा रही है, ये वाली, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, उसको हमने नाम दिया है साई का नाम दिया है। ठीक है, लेट एस बी द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ए टू द पॉइंट पी। अब वो ये कह रहे हैं, अब देखें, ये हमारी कर्व थी, ये वाली इवोल्यूट की, ये एवोल्यूट की है। यहाँ पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई है, ये पॉइंट क्यू ऑफ ए भी है, सॉरी अल्फा बीटा है। हमने इस कर्व के ऊपर एक फिक्स पॉइंट ले लिया ए। ठीक है, अब ए से पी जो है इनकी आर्क लेंथ वो क्या है, एस है। अब हम इनको कंप्लीट करने के लिए हमने सॉल्व करना है, तो हम ज़रा इनको एक्सटेंड कर लेते हैं। क्यू का परपेंडिकुलर क्यू एल है, पी से पी एम है, और यहाँ एक ट्राइंगल बन रही है। ये जो टेंजेंट लाइन क्यू से आ रही है वो इस पॉइंट को टच करते हुए गुजरेगी, तो यहाँ से आपने इन दोनों को मैच कर लिया, तो ये एक ट्राइंगल बन गई क्यू आर पी, पी क्यू आर पी, पी आर पी, जो भी। अब देखें हमारे पास क्या है, एस हमने क्या कहा, आर्क लेंथ है। हमें पता है जो पीछे हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा था वो किसके इक्वल था, डी एस बाई डी रो डी साई। ठीक है, मतलब ये था कैपा इज इक्वल टू डी साई बाई डी एस, और कैपा का जब उलट करते हैं वन के वन से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कर्वेचर होती है, वन से डिवाइड करते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, वन से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे। इसके अलावा हमारी आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या था, एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और डी एक्स के साथ इंटीग्रेशन होती है। जब हम इंटीग्रेशन को अगर ख़त्म कर देते हैं तो ये इधर आके डेरिवेटिव बन जाता है, डी एस और डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हमेशा इंटीग्रेशन के साथ वो वाला शामिल होता है उसका डिफरेंशियल, जिसके अकॉर्डिंग हम उसको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, मतलब इस एलसीएम लिया, डी एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, जब वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो डी एक्स बच जाएगा, डी एक्स दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बच गया डी एस इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। हमें ये चीज़ पता है टेंजेंट साई किसके इक्वल होता है, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल। तो अब हमें चाहिए साइन साई और कॉस साई, ये आगे हमने यूज़ करने हैं। इनको कैसे निकालेंगे, अब देखें ट्राइंगल के अकॉर्डिंग टेंजेंट साई क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। कोई एक ट्राइंगल है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये उसकी क्या है, बेस है। ठीक है, जब हमें थर्ड चीज़ जो उसकी चाहिए होती है हाइपोटेनस, वो क्या होता है, बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर और उसका स्केयर, वो ये बन गई थर्ड साइड विच इज़ इक्वल टू डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई स्केयर का स्केयर, और ये किसके इक्वल है, डी एस के इक्वल है। साइन साई चाहिए तो साइन साई किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, मतलब डी वाई बाई डी एस। कॉस साई चाहिए तो वो क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, डी एक्स बाई डी एस। नो, अब हमें चाहिए अल्फा और बीटा की वैल्यूज। अल्फा हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, उसी तरह से अल्फा किसके इक्वल है, यहाँ तक जो पार्ट है वो क्या है, अल्फा है। उसको हम क्या नाम देते हैं, ओ एल। ओ एल किसके इक्वल होगा, ओ एम माइनस एम एल, मतलब इतना पोर्शन जो है टोटल में से इतना माइनस करें तो बाकी आपके पास क्या बन जाएगा, इतना पोर्शन बन जाएगा।
और ये जो टोटल हिस्सा है ये है एक्स के इक्वल, और हमें ये चीज़ चाहिए एल एम, तो एल एम अगर इसके इक्वल है पी आर के इक्वल, तो ये पी आर को कहाँ से वैल्यू लेके आएंगे, पिछले लेक्चर वाली ही चीज़ है, कोई नहीं है, ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। यहाँ जो इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है ये है साई, जैसे ये साई है तो इसके अपोजिट भी ये क्या है, साई है। क्यू आर पी ट्राइंगल है, इसमें से हम साइन, और ये इसका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो। ये ट्राइंगल देखिए ये बन रही है आपके पास ये वाली, अल्फा इज इक्वल टू ओ एल विच इज इक्वल टू ओ एम माइनस एल एम, ओ एम क्या है एक्स है, एल एम क्या है आर पी है। यहाँ से हमने ट्राइंगल को सॉल्व किया, साइन साई किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इसका क्या है आर पी, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और साथ वाली बेस, और साथ क्या है ये क्या है इसका हाइपोटेनियस है। यहाँ से पी आर किसके इक्वल आ गया रो साइन साई, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। अब हमें चाहिए बीटा, बीटा इज इक्वल टू सी एल, देखें यहाँ तक जो हिस्सा है ये वाला, बीटा को उन्होंने क्या नाम दे दिया है, सी एल का नाम दिया है हमारे पास, ठीक है, तो ये किसके इक्वल बनता है सी आर प्लस एल आर, ठीक है, बीटा चाहिए ना हमें ये वाला, यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है बीटा, यहाँ से लेके आपके पास ये बनता है सी एल इज इक्वल टू सी आर प्लस एल आर, ठीक है। सी मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमारे नाम दिया है, सी एल प्लस एल आर जो है ये हमारे पास टोटल क्या बन जाएगा, उसका बीटा की वैल्यू आ जाएगी। बीटा की वैल्यू में हमारे पास इस ट्राइंगल को अगर हम सॉरी यहाँ है आपके पास क्यू आर, ठीक है, क्यू आर तो ये इतना पोर्शन जो है ये बीटा है, एल एल क्यू जो है, ठीक है, क्यू एल या एल क्यू जो भी आप कह दें इसको, तो इनमें से इतना जो पोर्शन है क्यू आर वो तो हम ट्राइंगल से सॉल्व कर लेंगे, और बाकी हिस्सा जो है वो क्या है आपके पास आर एल मतलब पी एम, ये किसके इक्वल है वाई के इक्वल है, यहाँ हमने वैल्यूज पुट की है, ये भी पिछले लेक्चर से ही है। अब हमने क्या किया, अल्फा को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डी अल्फा बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन, अब इस पे अप्लाई होगा चेन रूल, ये दो फंक्शंस हैं और दोनों ही एक्स के नहीं हैं, तो पहले रो इसी तरह से आ गया, साइन साई का डेरिवेटिव कॉस साई डॉट डी साई बाई डी एक्स माइनस साइन साई इसी तरह से आ गया, और रो का क्या आ गया डी रो बाई डी एक्स। अब देखिए रो की वैल्यू पीछे से हमने उठा के पुट की, वो क्या थे डी एस बाई डी साई, ये देखिए यहाँ से, ठीक है, इसके बाद कॉस साई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से ये वाली डी एक्स बाई डी एस, ये चीज़ आ गई आपके पास, तो ये डी एस डी एस से कैंसिल, डी एक्स से डी साई से वन बच गया, वन माइनस वन दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बाकी ये चीज़ बच गई। इसी तरह से बीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ रहा है, फिर वैल्यूज पुट करेंगे पीछे से, तो इस समय ये चीज़ बचेगी। तो अब हमें चाहिए डी बीटा बाई डी अल्फा, क्योंकि हमने इसका प्रूफ करना है, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, कॉट साई होता है टेंजेंट साई माइनस वन ओवर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है टेंजेंट साई, पीछे से पुट किया डी एक्स बाई डी वाई के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इनको जब चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट पी और स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द एवोल्यूटेड पी एट पॉइंट, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बनते हैं इसके एक्सिस जो हैं इसकी नॉर्मल लाइन जो होती है, वैसे अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स होता है, आम रूटीन में ये जो स्लोप्स होती हैं, लेकिन जब नॉर्मल भी होती है तो एक के साथ माइनस आ जाता है, ये उलट जाती है। ये आपके है सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर फोर, उसके अकॉर्डिंग ये स्लोप होती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट पी विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द एवोल्यूटेड पी, यही हमने प्रूव करना है। मुश्किल नहीं है, ज़रा इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आसानी से आपका ये सॉल्व हो जाएगा।